जेपीजी आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। आज है 9 जनवरी 2020 और प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग 9 जनवरी से संबंधित वो सभी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। प्रस्तुत है इस सेशन का पहला सवाल। कर्मयोद्धा ग्रंथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है, इस पुस्तक का लोकार्पण किसने किया? जी हां, भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री आप श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके जीवन पर आधारित पुस्तक है कर्मयोद्धा, और कर्मयोद्धा पुस्तक का लोकार्पण दिल्ली में वर्तमान सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों के द्वारा किया गया। कर्मयोद्धा पुस्तक जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है और उसका लोकार्पण गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, देश के महात्मा गांधी जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ में हुआ था, महात्मा गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि चंपारण सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया और इस साल हम लोग उनकी 150वीं जयंती मना रहे हैं और इसके उपलक्ष्य में भारतीय दूतावास के द्वारा कला प्रदर्शनी का आयोजन भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, जो कभी भारत का ही हिस्सा था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया। तो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित कार्यक्रम कला प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया है? ढाका में किया गया है और इस आयोजन में महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका सहित भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके योगदान से संबंधित गतिविधियों का चरित्र चित्रण किया जाएगा, प्रदर्शनी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, बक्सा बर्ड फेस्टिवल का 4th एडिशन चौथा संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बक्सा बर्ड फेस्टिवल के चौथे संस्करण का आयोजन पश्चिम बंगाल में अलीपुर में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? पश्चिम बंगाल के अलीपुर में किया जाएगा और वहाँ पर विभिन्न देशों के पक्षी प्रेमियों का जमावड़ा होगा जो उन पक्षियों का प्रदर्शन करेंगे और उनके संवर्धन के विषय पर चर्चा करेंगे जो प्रजातियां अब विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो बक्सा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहां पर? पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग के किस वन्य प्रजाति की आबादी आधी समाप्त हो जाने का दावा किया गया है? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया जो इस समय अपने जंगलों में लगी हुई आग की भीषण त्रासदी से जूझ रहा है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के द्वारा ये दावा किया गया कि इस लगी हुई आग में लगभग 50 करोड़ से अधिक जो है जंगली जीव जंतुओं का सफाया हो गया है और उनमें ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पेड़ों पर रहने वाला एक भालू जिसका नाम कोआला है, क्या नाम है? कोआला, और कोआला के लगभग आधी से अधिक प्रजाति के समाप्त हो जाने की आशंका है, ऐसा ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा बताया गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के किस निजी क्षेत्र के 2 बैंक जो श्रीलंका में अपना परिचालन यानी कारोबार बिजनेस बंद करने का निर्णय लिया है? जी हाँ, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के द्वारा भारत के निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर के 2 बैंक को अब अपना बिजनेस समेट लेने का, कारोबार बंद कर देने का क्लियरेंस दिया जाएगा और वो बैंक जिन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है उसमें एक बैंक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक
जिसे पहले कभी यूटीआई बैंक के नाम से जाना जाता था, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, जबकि दूसरा बैंक है जिसका नाम आईसीआईसीआई बैंक, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों भारत के प्राइवेट सेक्टर के काफ़ी प्रसिद्ध फेमस बैंक हैं और दोनों बैंकों ने भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका से अपना कारोबार बिजनेस परिचालन अब बंद कर लेने का निर्णय लिया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के किस मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है? जी हाँ, भारतवर्ष में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में 25 दिसंबर 2014 को यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में, सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और उन्हीं के जन्मदिन पर मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई। जैसा कि आप जानते हैं, इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं और मिशन इंद्रधनुष के तहत यूपी बिहार समेत भारत के विभिन्न राज्यों में कुल 7 रोगों को समाप्त करने का जो है निर्णय लिया गया और उस मिशन को लेकर के जिन रोगों को सफाया करने का सरकार ने प्रयास किया वो काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस, पोलियो, खसरा, तपेदिक और डिप्थीरिया, ये रोग हैं जिनको समाप्त करने के लिए छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से सुरक्षित किया जाएगा। और अभी 2020 में इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष सेकेंड का शुरुआत किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में प्रति माह के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? जी हाँ, वर्तमान में राजस्थान सरकार के द्वारा 2020 में प्रत्येक महीने की पहली तारीख को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, यानी प्रत्येक महीने के पहले दिन राजस्थान के लोग इंडिविजुअल कन्वेंस, पर्सनल कन्वेंस, अपने व्यक्तिगत वाहनों को छोड़ करके पब्लिक कन्वेंस का जो है उपयोग करें, जिससे कि वायु प्रदूषण को बचाया जा, वायु प्रदूषण से इस पर्यावरण को बचाया जा सके। किस राज्य सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया है? राजस्थान सरकार। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिल्ली के किस चौक का नाम बदल करके शहीद विक्रम बत्रा रखा गया है? जी हाँ, कारगिल युद्ध के महान योद्धा आप विक्रम बत्रा जी के नाम पर दिल्ली में मुकरबा चौक का नाम, किसका? मुकरबा चौक का नाम बदल करके अब शहीद विक्रम बत्रा चौक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नसीम अल बहर युद्धाभ्यास का 12वां संस्करण भारतीय नौसेना और ओमान के नौसेना के बीच कहां पर आयोजित किया जाएगा? जी, आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को इस प्रकार लिखा गया है कि इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो बहुत सारे सवालों के जवाब यहीं से जो है आपको मिल सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन में ही अगर पूछा जाए कि नसीम अल बहर युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है तो भारत और ओमान, भारत इंडियन नेवी और ओमान नेवी के बीच होता है, भारतीय नौसेना और ओमान नौसेना। और 2020 में जो संस्करण होगा ये कौन सा एडिशन होगा? 12वां एडिशन होगा, जिसकी शुरुआत 1993 में हुई थी और इस बार ये जो है 12वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो नसीम अल बहर जो युद्धाभ्यास है वो गोवा में, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, वहीं पर मार्मागोवा तट पर इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्यास और सिंधु भारत के युद्धपोत भी हिस्सा लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस देश के द्वारा स्पेस फोर्स की गठन की घोषणा की गई है? जी हाँ, अब तक तो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी जैसी फोर्स तो बहुत सुना गया, लेकिन आने वाले समय में आपको अंतरिक्ष सेना भी देखने को मिल सकती है और स्पेस फोर्स का
का गठन का अनाउंसमेंट यूएसए यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट आप डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि आने वाले समय में बहुत जल्दी ही यूएसए स्पेस फोर्स का गठन किया जाएगा यानी अमेरिकी अंतरिक्ष सेना। दसवें का ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप जानते हैं बेस्ट फीचर ऑफ द सेशन जिसको हम क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से जानते हैं और इस सेशन में हम स्ट्रेटेजिक जीके के उन क्वेश्चन को सम्मिलित करते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में या तो पूछे गए हैं या आने वाले समय में उनके पूछे जाने के आसार हैं। जी हाँ, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद टाइप करके हम तक पहुंचाना है उनके लिए ये सवाल विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किबुल लाम जाओ लोकटक झील में स्थित। सवाल क्या है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है इसका कमेंट आप लिख करके हमको बताएंगे, इसका आंसर कमेंट के रूप में लिख करके बताएंगे। और जितनी भी प्रीवियस वीडियो मैंने डाला उसमें बहुत से एकलव्यों के द्वारा सही जवाब भी दिए गए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सेशन का पिछली वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि भीतर कनिका अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, भीतर कनिका सेंचुरी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो भीतर कनिका ब्राह्मणी और बैतरणी नदियों के तट पर जो है ये स्थित है, कहाँ पर? उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। जिसका सही जवाब मेरे शिष्यों के द्वारा दिया भी गया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये दूसरे स्टूडेंट दूसरे परीक्षार्थियों विद्यार्थियों के पास भी पहुंचे और उनका भी कल्याण हो सके। कर भला तो हो भला। आज बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।